नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जेई ठेकेदार और कुछ नेताओं की कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी कैनाल नहर। अमराहट कैनाल नहर चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सूत्रों की माने तो 105 करोड़ रुपए से बनाई गई ये नहर, जिसका निरीक्षण राज्य मंत्री अजीत पाल, कमिश्नर, डीएम और कई जिले के अधिकारी कर चुके हैं। अभी कुछ समय बीता ही है कि 105 करोड़ की लागत से बनी ये नहर अपनी दास्तां खुद बयां करने लगी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, लगभग 6 से 7 माह पहले ही बनी ये नहर कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई, जिस पर जेई और ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस परियोजना में नाबालिग बच्चे भी काम करते नजर आए। जहां एक ओर मोदी व योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके ही राज्य में विकास के लिए आया धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है इन पर क्या कार्यवाही होती है। पूरा मामला कानपुर देहात के सिकंदर तहसील के अमराहट कैनाल नहर का है। आगे की खास अपडेट पाने के लिए देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज। जंग बहादुर सिंह के साथ। तो इसी बात को लेकर आज हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, जो कैनाल परियोजना के तहत जो नहर का जो कार्य चल रहा है, जहाँ पर 105 करोड़ जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नींव रखी थी और ये लगातार काम निरंतर रूप से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मानक के खिलाफ काम करने के बाद जो मटेरियल लगाया गया है पूरी तरीके से बेकार है, जिसको लेकर ये करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई नहर योजना कैनाल के लेकर ये देख सकते हैं। ये फिर नजारा मैं दिखाऊंगा कैमरा साथी से कि ये टूटा हुआ दिखाया जाए किस तरीके से नहर की दुर्दशा है, जो 105 करोड़ रुपए की लागत से बन रही, एक बरसात भी नहीं झेल पाई और 105 करोड़ रुपए सरकार के पानी में बह गए। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ है, क्या कमियां रही होंगी। भैया क्या नाम है आपका? वीर सिंह। वीर सिंह जी, ये जो कैनाल परियोजना के तहत में आपके गाँव के अगल बगल रहते हैं आप लोग, कार्य चल रहा है, तो इसमें जो कैसे क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? इसमें पहले से पानी भरते या कुटाई उटाई होती तब तो सही, ऐसी सूखी मट्टी में एक सिकर के बालू बिछा कर और बस कंक्रीट कर दे, नीचे पोल ही बनी रही। लेकिन ये 1.5 अरब का मामला है, 105 करोड़ की लागत से बन रही है कैनाल परियोजना को लेकर जो भ्रष्टाचार है, तो क्या कहना चाहो सूबे की योगी सरकार को लेकर? अरे बढ़िया बने, अच्छी जब हमारे इलाके में गाँव बन रही, सब आराम सब अधिकारी खा गए। भैया आपका नाम क्या है? राजू पांडे। राजू पांडे जी, ये बताइएगा आपकी सरकार चल रही है और आपकी सरकार जो पांडे चल रही है, ब्राह्मणों की सरकार चल रही है और ऐसा भ्रष्टाचार जो 1.5 अरब समथिंग तो सही है, तो क्या कहना चाहोगे कि जो गांव के हमारे लोग रहते हैं इनको ना रखा जाए, बाकी लोग सब काम अपने घर मकान बनवाते हैं, हमें लागत नहीं लग पाती और समय से काम नहीं करवाते हैं, फ्री पैसा फ्री को उठाते हैं। ये जो लेबर काम कर रही है, लेबर लोकल की है कहीं बाहर की? अभी अभी आपकी बार आई, जब काम खराब होता बाहर लेबर लेके आए नहीं, अभी तक गांव सारे लोग मेट थे मुंशी थे, सब घर का सामान लगा लेते, घर में बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ सब बालू काम चल रहा है, सूखे में काम करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगने वाला ये कि काम जो चल रहा था अगर लोकल के लोगों को शामिल कर लेते तो रोजगार भी मिल जाता। नहीं रखा बाहर सब ले आए। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे बाहरी मजदूर लाकर काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति हो सकता है भविष्य में कोई समस्या दिक्कत उत्पन्न कर सकते थे, क्योंकि उनके क्षेत्र में ये नहर का काम चल रहा था, ऐसा लोकल के लोग अपने नहर में अच्छा से अच्छा काम करना चाहते, लेकिन यहाँ के ठेकेदारों ने अपनी मनमानी चलते बाहरी लेबरों को रखकर यहाँ के लोगों को पेट में एक लात भी मारी जो रोजगार का साधन था। लेकिन क्या नाम है बेटा आपका? शिवम। कहाँ रहने वाले हो? बिजनौर के हैं। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल। आप यहाँ पे, आपको पता है बाल श्रम गैर कानूनी है, बच्चे काम नहीं कर सकते, कौन काम करवा रहा है आपसे? ठेकेदार। ठेकेदार का नाम क्या है? राजा। राजा, तो ये किस जगह पे नहर बन रही है? कानपुर देहात साइड में काम चल रहा है। पिताजी का नाम क्या है? विनोद कुमार। पिताजी आए हैं साथ में? आप अकेले आए हैं? कितनी दिहाड़ी मिलती है एक दिन में? 40 हज़ार। ठीक है, कितनी मिलती है? 1500। डेली देते हैं तुम्हें? 1500 नहीं है, ठेके का काम है, जितना काम करते उतना मिलता। अच्छा, ठेके में जितना काम करो उतना पैसा मिले। कितने रुपए काम कर लेते? 1000 का भी कर लेते, 500 का भी। 1000 का भी कर लोगे, 500 कर लो। कितने लोग आए हैं आपके साथ में? 15। और कितने बच्चे काम कर रहे हैं? तो एक और है। ब्लाउज को जरा बेटा, ब्लाउज को।
लगातार हम यहाँ पर कैनाल परियोजना के यहाँ जहाँ कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर लेबरों से मैंने बात की, यहाँ पर कई ऐसे बच्चे भी हैं जो नाबालिग हैं। एक तो मेरे कैमरे पे ये खड़ा हुआ है, ये नाबालिग बच्चा काम कर रहा है, एक बच्चे से मेरी बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ के ठेकेदार का नाम राजा बताया जा रहा है। राजा नाम के ठेकेदार मासूम नौनिहाल बच्चों जो नाबालिग उनसे काम करा रहे हैं। ये परदेशी आदमी, इनके रोजगार को लेकर तो हम बात नहीं करें, लेकिन सूबे की सरकार से कहना चाहेंगे एक और, जहाँ आपकी सरकार लगातार बच्चों के भविष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे मासूम बच्चे मजदूरी करके अपना भविष्य खराब कर रहे हैं और यहाँ के ठेकेदार बाल मजदूरी करवाने में लगे हुए हैं। 105 करोड़ की लागत का जो शिलान्यास की जो नींव रखी थी, वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यहाँ पर इसका नींव रखी थी और देख सकते हैं कि ये हर जगह से चिटक चुकी है। आप लगातार, मैं कैमरा साथी कहना चाहूंगा, ये नजारा दिखाएं कि किस तरीके से ये अभी अभी ये भी नीचे देख सकते हैं, ये चिटक चुकी है और मैं नीचे भी उतर के मैं कैमरा साथी कहना चाहूंगा कि देखें और ऊपर से ही कवरेज को देखें। मैं इस नहर पे आ चुका हूं, ये नजारा देख सकते हैं किस तरीके से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 105 करोड़ की लागत से कैनाल परियोजना जो तहसील सिकंदरा क्षेत्र के अमराहट के आसपास ये योजनाएं चल रही हैं, 105 करोड़, फिर मैं बता रहा हूँ 105 करोड़ सरकारी रुपए का कदर लूटा जा रहा है कि यहाँ पर योजना के तहत में पलीता लगा दिया गया, इसका मटेरियल इस कदर है। मैं अपने कैमरा साथी कहना चाहूंगा कि हाथ बढ़ाए और मुझे ऊपर थोड़ा लेने की कोशिश करें और मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको वो नजारा भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। ये जूमिंग करके दिखाएं किस तरीके से ये सरकारी लागत 105 करोड़ को किस तरीके से लूटा गया है और अभी भी ये कार इस कदर किया जा रहा है कि इसका जो मटेरियल है, उसका मटेरियल एक तो सीमेंट बिल्कुल बेकार वाली थर्ड क्वालिटी की सीमेंट है, उसके अलावा यहाँ मोरंग डस्ट बालू जो भी लगाया जा रहा है मटेरियल पूरी तरीके से खराब है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जिले में बैठे हुए हैं, आंखी मीच कर क्यों बैठे हुए हैं? क्या ठेकेदार की तरफ से जिस कंपनी ने ये टेंडर लिया हुआ है, क्या उस टेंडर लेने वाले व्यक्ति के अधिकारियों को एक मोटी रकम पहुंचा रहे हैं? ये मामला 105 करोड़ का मामला है जो आईपीएन न्यूज जंग बहादुर सिंह जीरो ग्राउंड से खबर को लेकर बात कर रहा है, ये मैं लगातार दिखा रहा हूं। ऐसे मामले एक नहीं है, आप भी और आगे चले जाइएगा वहां भी यही हालात है। मैं दिखाना चाहूंगा ये भी एक नजारा है पूरा, ये भी नजारा देखिए, ये भी टूटा है, ये पूरा कैमरामैन साथी लगातार दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये भी कुछ महीनों पहले कैनाल परियोजना के तहत में इस नहर का निर्माण किया गया था, पूरी तरीके जर्जर हो चुका है। ये भी दिखाइएगा किस तरीके से ये चिटक रही है, मट्टी धस रही है, कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से क्या कंडीशन है। इसको लेकर हम यहाँ के देख सकते हैं कि ये हमारे भाई साहब इसी लोकल गांव के हैं, ये लगातार बोल रहे हैं, क्या कहना चाहे, क्या कहना है भैया, क्या नाम है आपका? थोड़ी बरसात में जब ये हाल है तो जब चलेंगे तब क्या हाल होगा? देख सकते हैं, कहने का मतलब है कि एक छोटी सी बरसात क्या हुई कि 105 करोड़ रुपए की लागत से बन रही कैनाल परियोजना पानी में ही बह गई और जिले के जिम्मेदार अधिकारी, चाहे विकास के अधिकारी हो, विकास भवन की सीडीओ सौम्या पांडे हो या जिला अधिकारी जितेंद्र सिंह हो, ये कहीं ना कहीं इस 105 करोड़ में इस तरीके से रुपए को बांटा जा रहा है साहब कि सिक्का उछाला टास किया, हर व्यक्ति का कमीशन खाते में चला गया। मैं सूबे की योगी सरकार से कहना चाहूंगा कि